बुलंदशहर जिले के चिंगरावटी गांव में हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारने के आरोप में जीतू फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मेरठ एसटीएफ की 5 सदस्यीय टीम एफआईआर की कॉपी लेकर श्रीनगर गई थी, जहां आरोपी जीतू फौजी को सेना ने मेरठ एसटीएफ के हवाले कर दिया और एसटीएफ की टीम आरोपी जीतू को गिरफ्तार कर मेरठ ले पहुंची, जिसके बाद एसटीएफ की टीम गिरफ्तार किए गए जीतू फौजी को लेकर बुलंदशहर रवाना हो गई है, जहां गिरफ्तार आरोपी जीतू को बुलंदशहर कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, ये जो बुलंदशहर की घटना हुई थी, उसमें जो नामजद डिटेल ये आर्मी द्वारा यूपीएससीएफ की टीम को आज मेरठ में मिडनाइट हैंडओवर कर दिया गया है, इसको हमने अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे कुछ प्राइमरी पूछताछ की गई है और इसको अब लोकल बुलंदशहर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको यहां से बुलंदशहर रवाना कर दिया है। गौरतलब है कि बुलंदशहर हिंसा की मूल एफआईआर में जीतू फौजी का नाम आरोपी नंबर 11 के रूप में दर्ज है। आरोप है कि जीतू उर्फ जितेंद्र बुलंदशहर हिंसा के दौरान हिंसा में शामिल था और उस पर इलाके में हिंसा फैलाने, आगजनी करने और इंस्पेक्टर की हत्या करने में शामिल है। फिलहाल पुलिस ने 5 अन्य आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।